हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन विलिंग लर्नर। आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं पाई चार्ट के क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं पाई चार्ट्स के क्वेश्चंस, और ये सबसे इजी क्वेश्चन है। मैं यूं कहूं मैं तो फ्री के मार्क्स हैं आपके पाई चार्ट के क्वेश्चंस के मार्क्स। ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसको हम आज समझने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.2 में आप देखोगे तो वहां आपको पाई चार्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं वो समझना है, और ये किस पे बेस्ड होते हैं पहले ये समझो। यदि मैं पाई चार्ट की बात करूं तो पाई चार्ट दो वैल्यूज पे बेस्ड होती है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फर्स्टली परसेंटेज पे, किस पे बेस्ड होंगी? परसेंटेज पे, और परसेंटेज हमेशा 100 पे काउंट होती है। ओवरऑल जो परसेंटेज होगी वो हमेशा 100 होती हैं। जैसे आपके एग्जाम में मार्क्स कितने दिए जाते हैं? 100 मार्क्स दिए जाते हैं, तो 100% हो गया। क्लियर है? आपने अगर गेट किया 99.9% तो कितने परसेंट हुए? 99.9%। किसी ने गेट किया 80%, किसी ने 95%, और कोई ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो 100% होता है। मैथ्स में किसी स्टूडेंट के 100/100 मार्क्स आते तो 100% हो गया। तो ओवरऑल जो परसेंटेज काउंट होती है वो 100 पे काउंट होती है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। सेकंड, आपको जो क्वेश्चन होगा वो डिग्री में होगा। किस में होगा? डिग्री में। अब डिग्री का मतलब क्या है? 360 डिग्री मीन्स 360। अभी 360 डिग्री मीन्स क्या है? एक कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। जैसे ये सर्कल है, दिस सर्कल इज अ कंप्लीट एंगल फॉर्म। तो सर्कल का जो कंप्लीटली एंगल्स होगा वो कितने डिग्री का होगा? 360 का। जैसे 360 हम समझते हैं, दिस इज स्ट्रेट एंगल, ये कितने का होता है? 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। अब ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, हमने इस पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसी स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल पे ऊपर एंगल बना 180, नीचे भी तो होगा 180, ये भी एक 180 हुआ, इस पे एक और सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया। तो ओवरऑल 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360 हो गया। तो ये जो कंप्लीट एंगल आपके पास फॉर्मेशन होता है वो कितने का होगा? 360 का। अब इसका एक सेंटर होगा। अब इस सेंटर का कुछ ये पार्ट होगा, कुछ ये वाला पार्ट होगा, कुछ ये पार्ट होगा। अब सभी कंप्लीटली मिलाकर आपने देखा था 180 प्लस 180 360, तो यहां भी कुछ वैल्यू होगी, इनकी भी कोई वैल्यू होगी, इनकी भी कुछ वैल्यू होगी। तो इस तरीके से टोटल 360 डिग्री हो जाता है। परसेंटेज में सपोज ये 40 है, ये 20 हो गया, देन ये 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। अब परसेंटेज काउंट करो, 40 20 20 60 40, 100% हो गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस गिवन होते हैं एग्जाम में, और ये फ्री के मार्क्स हैं। किसके मार्क्स हैं? ये फ्री के मार्क्स होते हैं। तो यहां से अब क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हो, एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करा के दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन क्या है कि अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टन ग्रुप ऑफ यंग पीपल liked in a city at joining pie chart the finding this survey। एक सर्वे किया गया यंग पीपल्स का कि वो क्या म्यूजिक में लाइक करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको फ्रॉम द पाई चार्ट, इफ 20 पीपल liked क्लासिकल म्यूजिक। देखो आप जो म्यूजिक के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, कोई लाइट म्यूजिक है, फोक म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, सेमी क्लासिकल म्यूजिक है, तो ये परसेंटेज में दिया गया। अब आपको पहला क्वेश्चन है, इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, ये क्लासिकल म्यूजिक है, तो क्लासिकल म्यूजिक कितने पीपल लाइक करते हैं? ओवरऑल 20 पीपल, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, मींस 20 पीपल। अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10% 20 पीपल जो लाइक करते हैं वो किसको लाइक करते हैं? क्लासिकल म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक लाइक्ड बाय
20 पीपल तो लाइक करते हैं क्लासिकल म्यूजिक को, तो 20 पीपल की वैल्यू कितनी है? 10%. 20 पीपल इक्वल टू 10% मीन्स 10% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, 10% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इक्वल टू 20 पीपल. 10% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इक्वल टू 20 पीपल, और ओवरऑल परसेंटेज कितनी है? 100%. तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? 1% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इक्वल टू 20/10, 20/10. देन आपको क्या फाइंड आउट करना है? 100% ऑफ क्लासिकल म्यूजिक क्या होगा? 20/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, इक्वल टू कितना हो गया? 200. ओवरऑल कितना हो जाएगा? 200. तो टोटल जो पीपल हैं, यंग पीपल, वो कितने हो गए? 200 हो गया. दैट आंसर इज 200. वेरी सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पूछता है आपसे. मैथ्स को लॉजिक समझना है. 10% 10 है, तो इसमें जब 10% की जो वैल्यू है 20 लोग हैं, तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी वही तो ज्यादा होगा. तो परसेंटेज किसकी ज्यादा है? 40%. 40% 10% की वैल्यू कितनी है? 20. तो डबल हो रहा है. देखो सिंपल सा समझो मैथ्स को. मैथ्स में दिमाग लगाना नहीं है, लॉजिकली समझोगे तो भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. 10% आपको बोला था, 10% क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट है 20 पीपल. 10% की वैल्यू 20 पीपल. अब बोलता है कि 40% जो कौन सबसे ज्यादा है, तो 40% लाइट वाला है. तो 40% ये कितना हुआ? 4 गुना किया हमने, नहीं किया 10 का 40% किया, कितना हुआ? 4 गुना. तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 20/80 पीपल. कितने हो गए इसमें? 80 पीपल लाइक करते हैं लाइट म्यूजिक को. क्लियर है? 80 पीपल कैसे है? 4 मल्टीप्लाई किया यहां भी, तो 4 यहां भी. सब कॉन्सेप्ट है. थर्ड है, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज. कैसेट कंपनी ने क्या मेड किया? 1000 सीडीज. हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक? अब टोटल जो सीडीज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन ये भी है. टोटल सीडी कितनी है? 1000. टोटल 1000 सीडी है. अब ये पूछता है आपसे कि ये बताओ आप कि इन सभी में से सबने कितने कितने सीडीज बनाए. आप 1000 का 10%, 20%, 40% और 30%. तो क्लासिकल क्या होगा? सिर्फ लॉजिकली समझोगे, क्वेश्चन सारे कर लोगे. क्लासिकल कितना हो गया? 1000 का 10%. तो 10/100, 0 कैंसिल कर लिया, तो ये टोटल 100 सीडी बनाएगा. टोटल 100 सीडी. अब ये 10% वाला 100 बनाया, तो सेमी कितना बनाएगा बताओ? सेमी क्लासिकल. ये 10% वाला 100 बनाया, तो 20% वाला 200. 40% वाला मेंस लाइट म्यूजिक कितना होगा? लाइट 400. और फॉग कितना होगा? 300. 300, 400, 7, 2, 9 और 1, 100. यहां पे इसने बनाया, टोटल 1000 सीढ़ी हो तो गई. इतना सिंपल क्वेश्चन होता है आपका पाई चार्ट का. तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे बहुत ही लॉजिकली. दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, सिर्फ लॉजिकली समझ के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे. तो गाइस और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा. अगर आपको डाउट रहा तो आप प्लीज कमेंट कर दे कि अभी और क्वेश्चन सही है या होप सो इसी से क्लियर हो गया होगा. तो जरूरत नहीं है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहां से सिखाने वाला हूं प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं,
क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके लिए फ्री के मार्क्स है। तो फ्री वाले तो यार कम से कम लो ना मार्क्स, फ्री वाले में तो आना ही आना चाहिए मार्क्स, ये नहीं कि फ्री का छूट जाए, क्योंकि फ्री की चीजें ऐसी होती हैं जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं तो सब क्या है फ्री का है, थोड़ा चाउमीन भी खाया, थोड़ा हर एक से जितने भी आइटम होंगे सबसे हमारे टेस्ट करने की आदत है, क्यों, क्योंकि फ्री का है। तो फ्री का कहीं जाना नहीं चाहिए, फ्री के मार्क्स तो आने ही आने चाहिए, फ्री के मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। बेशक हम वहां पे शादी में पेट खराब हो जाए, लूज मोशन हो जाए, बट नहीं, थोड़ा और ला चलता है उधर। वैसा ही यहां पे जो ये फ्री के मार्क्स है पाई चार्ट या फिर ये प्रोबेबिलिटी, ये मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए, आपके आने ही आने चाहिए। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, शेयर एंड सब्सक्राइब विलिंग लर्नर, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।